वजीरगंज में कल एक बच्ची नाली में गिर गई थी, जो अभी तक उसका पता नहीं चला है। और हम आपको बताना चाहेंगे, कल शहर में ज़ोरदार बारिश हो रही थी, लगभग 3:30 के करीब बारिश हो रही थी। यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर पूरा जल भराव था। यहाँ पे अक्सर जल भराव हो जाता है, जो नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही, जो स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ अक्सर जल भराव की स्थिति बन रही थी। यहाँ बच्चे खेल रहे थे, अचानक से बच्चे का जो चप्पल है वो नाली के पास फिसल कर चला गया, और वहाँ पर काई भी लगी हुई थी। एक सबसे बड़ा कारण कि काई से ही पैर फिसला और बच्ची नाली में गिरी। और हम आपको दिखाएंगे कि अभी हम उनके घर पे मौजूद हैं, उनकी जो माँ है बिलख रही हैं, रो रही हैं, एक अपनी बच्ची का इंतज़ार कर रही है कि काश वो बच्ची आ जाए जल्दी से, क्योंकि इतनी देर हो गई है। हमारे साथ और यहाँ स्थान के परिवार के भी लोग मौजूद हैं। हम एक बार, कल बच्ची खेल रही थी तो आखिरी बार आपने उसको देखा था? हाँ, आखिरी बार हमने उसके चोटी बांधा, उसने हमको पानी पिलाया, हम दूसरों के घर में झाड़ू बर्तन करके बच्चे पालते हैं। मेरा बच्चा गाइस, अम्मा जल्दी काम पे जाओ, जल्दी आ जाना। हम काम पे रास्ते में खड़े थे, बारिश हो रही थी जब तक मेरा बच्चा भाई गया। कल से मेरा बच्चा नहीं आया, इतने मीडिया ले आए, किसी ने कोई कुछ नहीं करा। मेरा बता रहा हूँ कि कल से ही यहाँ पर जो जांच की टीम लगी हुई है, जो रेस्क्यू कर रही है, SDRF की टीम लगी हुई है, नगर निगम की गोताखोर की टीम लगी हुई है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है उस बच्ची का। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती अगर देखा जाए तो इसमें नगर निगम की भी है, क्योंकि अगर नाली से, नाले में जो एड पॉइंट है वहाँ पर अगर जाली लगी होती तो बच्ची नाले में जाती ही नहीं, तो ये शायद बच्ची जाली में फंस जाती और बच्ची तत्काल पूर्वक लोगों के, स्थानीय लोगों को ही मिल जाती, क्योंकि पानी का फ्लो भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए ऐसा ये हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी नगर निगम की गलती आ रही है। कल सभी बच्चे यहाँ, अक्सर रोड पे बारिश के टाइम पे पानी भर जाता है, सभी बच्चे यहाँ पे नहा रहे थे। हमारी लड़की की चप्पल जो है छूट गई थी, तो वो चप्पल के पीछे पीछे भागी तो नाली में उसका पैर फिसला, तो नाली से जो है बड़े वाले नाले में चली गई। सर अक्सर सर पानी भरा रहता है यहाँ पे, जो है एक मेन हॉल है गटर टाइप का, ये नगर निगम के लापरवाही से कभी यहाँ पे जाल नहीं लगा सर, आज ये घटना हो गई। हम लोग सर जो है घर पे थे, जब पता चला तो लोग सब भाग के आए, और मेरी बीवी काम पे थी सर, घर पे काम करती हैं, दूसरे के घर में काम करती हैं सर। नहीं सर, इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन करीब 7-8 साल पहले हुआ है, लेकिन इधर पीछे वाल हुआ है नाले तरफ, लेकिन यहाँ पे ये पहली बार ऐसा हादसा हुआ है यहाँ पे। जी बिल्कुल, नगर निगम की गलती, उनकी लापरवाही से अगर वो यहाँ पे जाल लगाए होते तो शायद बच्चा हमारा बच जाता। हम इस वक्त वहाँ मौजूद है, यहीं पर आप देख सकते हैं कि यहीं पर कल बच्ची खेल रही थी, कल जो बारिश हुई थी काफ़ी, उससे यहाँ पर जल भरा हुआ था। हम आपको दिखाना चाहेंगे, मैं अपने साथी से बोलूँगा दिखाने को। ये वही नाली है, यहीं पर पूरे सड़क पे जल भराव था, ये नाली बिल्कुल डूबी हुई थी। अगर हम पानी के लेवल की बात करें तो पानी का लेवल बिल्कुल यहाँ तक था, यहाँ तक बिल्कुल पानी भरा हुआ था, उस बीच में ये नाली दिख ही नहीं रही थी कि नाली है कि कितना बड़ा गड्ढा है, क्योंकि बच्ची थी यहाँ, कई सारे बच्चे खेल रहे थे। और यहाँ पर जब पूरा पानी भरा हुआ था, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ से खेल रहे थे, तब बच्ची का जो चप्पल है वहाँ से पानी में बहते बहते इधर आया, और चप्पल पकड़ने के लिए वो गई वहाँ पे, और काई के कारण, काई लगी हुई थी, बच्ची का पैर फिसल गया और इसी नाली में बच्ची गिर गई। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो नाली है, कल पानी का फ्लो बहुत तेज़ था, और इसी नाली में बच्ची वहाँ से निकल कर आगे नाले पे, ये बस 50 मीटर पे ही ये नाला मिलता है, उस नाले में जाकर चली गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहीं पर अगर वहाँ पर जाली लगी होती तो बच्ची यहाँ से जाती, वहाँ पर फंस जाती और बच्ची सकुशल अपने माता पिता के पास में होती। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से माँ मौजूद है और ये उसी स्थान को देख कर रो रही है कि इसी जगह पे उनकी बच्ची गिरी, और अभी तक उनकी बच्ची का कोई पता भी नहीं चला है। प्रशासन की पूरी टीम उनकी बच्ची को ढूंढ रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद इदरी। कल क्या हुआ, कैसे घटना? कल यहाँ पे बच्ची, जब बारिश हुई है तो बच्ची वहाँ अपने घर से यहाँ खेल रही थी, और नहाते समय उसका चप्पल यहाँ पे छूट गया। वो चप्पल पकड़ने के चक्कर में, माँ बाप के डर के चक्कर में,
चप्पल पकड़ने के चक्कर में वो आई और यहाँ पे आई और फिसल गई और नाले के अंदर चली गई। सामने एक भाई रहते हैं कबाब पराठे वाले, उन्होंने देखा, वो दौड़ के आए उसको पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाए, इतना तेज बहाव था। आगे कुछ लोगों ने नाले के अंदर कूद के देखा, लेकिन फिर भी नहीं मिली। ये नगर निगम की लापरवाही है, यहाँ पे कोई मतलब जाल नहीं है, ना यहाँ है ना वहाँ है। ये आज हादसा हुआ है, कल को फिर बारिश होगी, फिर हादसे होंगे, इसकी लापरवाही कौन देखेगा? सही जगह से पूरे देखिए, इसमें नगर निगम की लापरवाही साबित आ रही है कि एक परिवार की मासूम बच्ची अभी तक नहीं मिली है, कल से उसकी खोज चल रही है प्रशासन की तरफ से, कहीं ना कहीं से भी नगर निगम की लापरवाही है। अधिक जानकारी के लिए अमर उजाला से कुलदीप सिंह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।